ऑलरेडी देयर। और सीरियसली रहो, अभी ज़्यादा दिन मेरे साथ तुम रहोगे नहीं, जल्दी जल्दी अभी अपने को इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए जाना है। और यही टाइम रहता है, तुमने क्या पढ़े 4 महीने डजेंट मैटर, अब ये 15 दिन तुम्हारा बहुत मेन रहता है। अब ये 16 16 8 8 घंटे 10 10 घंटे उठते बैठते खाते सोते सब आपको पढ़ाई करना है, आप लोगों को बस ये ध्यान दीजिएगा, आपको बाकी कुछ नहीं करना। चलिए हम जाते हैं हमारे डेवलपर में। लेकिन मैं वापस बता रही हूँ, सैटरडे पे जो वही लोग आएंगे जिनकी फीस कंप्लीट है, ऐसा नहीं मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा, मैं किसी को बोल रहा नहीं, लेकिन सैटरडे संडे इसके बाद, और अभी जो जितनी भी नई बैचेस चालू हो रही है, हेलो, जितनी भी नई बैचेस चालू हो रही है अब ये बैच में रूल है, किसी की आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको क्लास लगाना है, किसी को भी क्लास लगाना है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी लड़के आपके आपके फ्रेंड्स हैं, ओके, तुम्हारे को थोड़ा लेट हुआ, लेकिन जितने भी फ्रेंड्स, अभी जितनी भी मेरी नई बैचेस चालू हुई है, मैंने में मेरी 3 नई बैचेस चालू हुई है, तो यहाँ पे याद रखें सभी लड़कों को, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल, सभी लोगों को 80 आवर्स उनको मंथली आपको फिजिकली मेरे साथ बैठना है सैटरडे संडे, क्लियर गया आपको? 10 10 घंटा सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, सैटरडे संडे सैटरडे संडे। अब कर सकते हैं तो करो, नहीं करना है तो मत करो। आप वो आके बैठेंगे, मतलब बैठेंगे, अब क्या रहते हैं जब कृतिका के समान रहते हैं, एक आधे बंदे उन्हें क्या होमवर्क करती ही नहीं, तो वो संडे सैटरडे के दिन बैठ के पूरा होमवर्क करेंगे वहाँ पे, मेरे को जब तक नहीं बताएंगे तब तक जाएगा ही नहीं, ओके। मतलब क्या होता है, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होता। ट्रिगर की प्रैक्टिस चालू है सबकी? यस सर। बताओ, मैंने पेरेंट टू चाइल्ड ट्रिगर लिए मैंने, वो अंकुश जॉब पे क्यों लगा मालूम है क्या आपको? बताता हूँ, और बहुत से जो जॉब पे लगे ना वो इसलिए लगे, आपको पेरेंट टू चाइल्ड मैंने ट्रिगर पढ़ाया, किसी ने मेरे को ऐसा नया ट्रिगर बना के भेजा कि सर मैंने ये नेट के ऊपर ढूंढा है ये ट्रिगर, सर मेरे को नहीं जम रहा है, नया ट्रिगर है मेरे को, सिर्फ बताओ बरा। अरे मैं गारंटी देता हूँ, मेरे को किसी ने कोड दिया ना, मेरा दिमाग चलते रहता है, मैं क्या करता, आधे घंटे में तुमको रिप्लाई करके भेजता हूँ मैं, याद रखिएगा। कभी भी किसी ने भेजा कि मेरे को चाइल्ड टू पेरेंट मैंने पढ़ाया आपको, चलो ये अपने रोल ऑफ समरी मैंने पढ़ा आप लोगों को, तो रोल ऑफ समरी ने किसी ने पूछा कि किसी ने दिया कि रोल ऑफ समरी के एग्जांपल कितने दिए नेट के ऊपर है, सेम एग्जांपल है एक, लेकिन आपने ढूंढे क्या, नहीं जो सर पढ़ाएंगे बस वही, ऐसा नहीं चलता ना यार, आप प्रैक्टिस करो ना, नेट पे आएंगे, आपको नहीं आएगा तो मेरे को भेजो, मैं सॉल्व करके देता हूँ, मेरे पास नहीं रहे, मेरे पास टाइम नहीं रहा, तो जैसे अंकुश है ऐसे बहुत लोग हैं मेरे पास बैच, उनको देता हूँ, वो बोलते सर हमको दो, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, तो ढूंढेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा, ओके, प्रैक्टिस आपकी उतनी ज़्यादा होगी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, बड़बड़ तो चलती रहेगी, लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ, ओके, अभी ये दिन है आपके, तो प्रैक्टिस करना चालू करो और निकलो अभी पट से, और ज़्यादा हर चीज़ पढ़ते मत बैठो, अभी LWC पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन का थोड़ा बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, VF पेज, LWC, बाद में डेवलपमेंट पूरा पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके बाद ट्रिगर्स, ये सब अपन देखेंगे, ओके, और सब कुछ पढ़ के अपन निकलेंगे, सिर्फ अपन ऑरा नहीं पढ़ रहे, किसी को ऑरा पढ़ना है तो बाद में अपन एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, लेकिन उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो भी बहुत 15 दिन का कंसेप्ट है, तो वो भी आपको पढ़ना है तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना पढ़ के मत जाओ, LWC भी पढ़ लिया तो भी सफिशियंट है आपका, VF पेज, LWC, ट्रिगर्स, डेवलपमेंट और एडमिन, बस हो गया। चलिए अपन आज देखते हैं हम लोग एक टॉपिक, ओके, दैट इज़ वेरी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो बहुत बार पूछा गया है, ओके, सीरियसली वर्क कर रहे जल्दी जल्दी। चलिए बैच फाइल समझ में आ रहा है क्या, कैसे दिमाग से ऊपर से जा रहा है? हेलो, समझ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे उसके नोट्स बनाना पड़ता है, याद रखिएगा। अब आप लोगों ने तो किया ही नहीं होगा ना, आपको तो कुछ मतलब ही नहीं हो चीज का, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये पेन ओपन करके देता हूँ, कभी नोट्स बनाते हैं ना तो भी सबसे पहले ऊपर लिखना पड़ता है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसे अपने हाथ से एक रजिस्टर बनाना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है, तब जाता है, तभी होता है, क्लियर हो गया आपको? क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या, पहले बैच क्लास, बैच एपिक्स तो बैच एपिक्स क्या होता है, तो गिरे सर ने नोट्स दिए हुए,
ओके वेट अ मिनट, बता दो माय स्क्रीन इज विजिबल ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर, यस सर, ओके 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 यस सर। ये देखिए यहाँ पे डाल लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, व्हाट इज क्रॉन स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद ये क्या रहता है, और बैच का भी मैंने दिया हुआ है। ओके ये क्रॉन स्टेटमेंट क्या होता है, यूज़ क्या होता है क्रॉन का, ये इंटरव्यू बहुत बार पूछा जाता है। ओके ये ऐसा मिला आपके नोट्स, ओके ध्यान दीजिएगा। मेरे ऊपर पूरा डिपेंड मत रहो यार, हम भी नहीं थे डिपेंड, मेन देखो कि तुमको कैसे पढ़ाया जाता है वो देखिए आप लोग, आपका काम क्या है। मैं वैसे भी नोट्स दे रहा हूँ आपको, है मेरे पास यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ पूरे क्वेश्चन आंसर्स का सेट मेरे पास है। ये नोट नहीं मिले हैं जो आप दिखा रहे थे, वो नहीं मिले, नहीं मिले क्या? ओके वो आपको बता देता हूँ, मेरे पास है बहुत कुछ डेटा, सेल्फ कोर्स इंटरव्यू क्वेश्चंस है मेरे पास। ओके ये है पूरे क्वेश्चन दिए, मैं आपको भेजता हूँ, तो टॉपिक वाइज है मेरे पास सर, आप सर भेजो, ये टॉपिक वाइज है मेरे पास क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज है, मैंने दिए नहीं आप लोगों को, मेरे बेबी की तबियत थी लास्ट वीक में, इतनी थोड़ा तकलीफ जा रहा था। ये देखो आपको भेजा हूँ सर मैंने, देख लो आप एक बार। हाँ हाँ ये देखो ट्रिगर्स के मेरे पास क्वेश्चन है, बैच के क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग क्वेश्चन है मेरे पास। ओके है मेरे पास अभी, मैं आपको भेज देता हूँ। ओके चलो नोट करो, आपको नोट करो कौन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए, अभी नोट्स बनाना है ना, तो पहले यहाँ पे लिखिए बैच क्लास। ओके बैच क्लास लिखिएगा, और वहाँ पे बैच क्लास का जो भी आपका डेफिनेशन वो देखिए आप लोग। ओके उसके बाद बैच क्लास के मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ी आप लोग बैच क्लास में, बैच क्लास का उसके बाद मैंने क्या बोला था, बैच क्लास का स्केलेटन लिखना है, याद है क्या आपको स्केलेटन बैच क्लास? yes, कोई भी नॉर्मल क्लास को अपन जब इंटरफेस अटैच करते हैं तो मेरा वो बैच क्लास बन जाता है, यस और नो है कि नहीं? yes, उसके बाद तीन मेथड्स yes, रहती है स्टार्ट एग्जीक्यूट और वो स्टार्ट के अंदर, स्टार्ट के अंदर अपन क्या यूज़ करते हैं, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूटेबल बी एस लिखते हैं, याद है क्या आपको? उसके बाद एग्जीक्यूटिव में दो पैरामीटर होते हैं, एक तो वही जो पुराना बताया और दूसरा लिस्ट लगता है अपन एस ऑब्जेक्ट करके, है कि नहीं? बाद में फिनिश नाम की मेथड रहती है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो नेट के ऊपर सब दिया हुआ है, नहीं मिला एक आधे बार तो आप लोग निकाल दीजिएगा, ये हो गया आपका। उसके बाद मैंने उसके नीचे जाइएगा, गए आप लोग, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या रखेंगे आप लोग मैं बता रहा हूँ, थर्ड पॉइंट क्या रखेंगे यहाँ पे जान लीजिएगा, थर्ड पॉइंट क्या रखेंगे आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, थर्ड पॉइंट वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक ब्रह्मास्त्र होता है वहाँ पे, कौन सा होता है, क्वेरी लोकेटर याद है? अभी देखो दो दिन में तो भूल गए थे तुम लोग, वो लिख के रखना पड़ता है, हाँ क्वेरी लोकेटर लिखने का, उसके आगे लिखने का ड्यू टू दैट इंस्ट्रक्शन, ओके बैच फाइल इज यूज फॉर बूस्टअपिंग द गवर्नर लिमिट फ्रॉम 50,000 टू 50 लाख। समझ में आ गया आपको इंटरव्यूअर क्या पूछने वाला भाई, ये हो गया आपका। उसके बाद स्टार्ट मेथड क्या करती है, दे कलेक्ट द डेटा, एग्जीक्यूट मेथड क्या करती है, एग्जीक्यूट द डेटा। और मैंने आपको बताया था बाद में कि एक बैच है मेरे पास 53 मेरे पास क्या है रिकॉर्ड्स है, और मैं बैच साइज बना रहा हूँ, तो उसके नीचे आप लोगों को फोर्थ लिखना पड़ेगा, ये हो गया आपका फोर्थ, लिखे आप लोग बैच साइज लिखिए आप लोग, ऐसे नोट्स मेरे को सैटरडे के दिन बताना। और देखो एक पेज में इंटरव्यू के पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं, और बाद में फाड़ने के लिए बोलो आपको इंटरव्यू, आप ऐसे कैसे नहीं बताते आप लोग यार, खुद ही प्रैक्टिस नहीं, ये प्रोफेशनल बैच में नहीं दिया जाता है यार, ये प्रोफेशनल बैच में हम लोग सिर्फ नोट्स देते हैं, आपको बनाना पड़ता है, ये बैच साइज निकालना पड़ेगा आपको, तो नंबर ऑफ बैचेस इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिवाइड बाय बैच साइज। ओके वहाँ पे नीचे लिखने का बैच साइज मिनिमम 1, म्यूट करो कौन है, मैक्सिमम 2000, और ओके और डिफॉल्टली क्या रहेगा 200। सर नो क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। बाद में एक आधा बैच फाइल आप निकालो वहाँ पे, नंबर ऑफ बैचेस निकाल लीजिए आप लोग, जो भी रहेंगे आपके वो निकालिए आप लोग। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, वो हो गया आपने, उसके बाद वहाँ लिखो कि स्टार्ट मेथड रन ओनली 1 times, पढ़ाया था ना मैंने ये चीज़ें, फिनिश मेथड रन 1 times, ओके बताया था, बट एग्जीक्यूटिव मेथड इज रन फ्रॉम 11 times, क्योंकि 5 का एक बैच साइज बना रहे हैं हम लोग, तो 53 के लिए कितने बैचेस बनेंगे 11, तो एग्जीक्यूशन नाम की मेथड कितने बार रन होगी आपकी, 11 टाइम बनेंगे, तो और वो भी 11 मेथड जो होती है वो एक के बाद एक
ऐसी रन होती है कि कॉन्करेंटली एक साथ रन होते हैं, जैसे दस दस पैरेलल एक के बाद एक नहीं होते ना भाई, मैंने बताया ना कॉन्करेंटली का मतलब होता है जैसे अपन दस दस नहीं क्या शर्त में लगे हुए दौड़ लोग दौड़ते रहते, कोई आगे कोई पीछे, कहीं हुए आगे कोई पीछे, नहीं आ रहा है बराबर। तो उसमें आपको देखा बताया था मैंने, ये बताया था कि अपन दो तीन पिक्चर पर जब डाउनलोड करते हैं तो वो कैसे होता है, एक साथ होता है ना, ये एग्जांपल भी दिया आप लोगों ने, है कि नहीं। सो एग्जीक्यूट मेथड जो रहती है ना वो आपकी असिंक्रोनस मेथड रहती है, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे, इसलिए बैच फाइल आपका असिंक्रोनस रहता है। ये पढ़ाया था मैंने, ये हो गया आपका, इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। ओके, ये होने के बाद में मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन से वो भी आपको मिल जाते हैं, तो ये आपका पेज लिखिएगा। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था आपको बताओ, क्या पढ़ाया था मैंने उसके बाद, फिनिश नाम की मेथड क्या करती है, जब पूरा वर्किंग होने के बाद फिनिश नाम की, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर ईमेल भेजते हैं, आप लोग ईमेल भेजते हैं ना हम लोग, तो ये लिख के रखो अपने हाथ से, मतलब क्या होता है यही पढ़ना है आप लोगों को इंटरव्यू के वक्त, और कुछ नहीं पूछता भाई, मैं 10 बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। ओके, और नेट के ऊपर क्वेश्चन ढूंढो आपको, मैं तो क्वेश्चन दे ही रहा हूँ ना आपको, वो हो गया आपका। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, बैच शेड्यूएबल पढ़ाया था क्या आपको, पढ़ाया था ना शेड्यूएबल। ओके, शेड्यूएबल क्या रहता है, उसके बाद शेड्यूल को कैसे कहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, याद है एपेक्स क्लास के अंदर जाते हैं, याद है आपको, एपेक्स क्लास के अंदर जाने के बाद तो वहाँ लिखो नोट्स के अंदर लिखो ऐसे, कहाँ पे सेटअप में जाके डैश डैश, उसके बाद होम में जाके ऐसा लिखो अपने हाथ से, होम में ला के बाद में यहाँ पे एपेक्स क्लास है ना डैश डैश, बाद में शेड्यूल, शेड्यूल है ना, ऐसा रहता है ना वहाँ पे आप लोग लिखते हो कि शेड्यूल वाला दिखता है वहाँ पे, याद है क्या आपको, मतलब आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द ऑपरेशन एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ शेड्यूलिंग प्रोसेस, तो आपको आना चाहिए, तो एक लाइन में तो आपका आ जाती है यस और नो। ओके, किसी ने मेरे को पूछा और कि भाई मैं शेड्यूल हुए जॉब, अपने 11 जॉब बने थे, याद है क्या आपको 11, अब उसको मुझे चेक करना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, सेटअप में जाना पड़ेगा, होम में जाना पड़ेगा, एपेक्स जॉब में जाना पड़ेगा, याद है क्या आपको, यस। और एपेक्स जॉब में जाके अपन वो देखते हैं जॉब देखना है, तो ये एक लाइन में लिख के रखिए ना आप लोग, ये सर लो, तो इससे क्या होता है, उसके बाद क्रॉन स्टेटमेंट आता है, क्रॉन स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉन स्टेटमेंट में लिख के रखो आप लोगों को। और मैंने आपको बताया था कि मैंने जैसे एक एग्जांपल 5 का दिया था, आप अलग अलग एग्जांपल देखो नेट के ऊपर, सबसे ज़्यादा क्रॉन के बारे में पूछा जाता है बैच फाइल में। अब मैं बताने के बावजूद भी आप लोग नहीं सॉल्व करते होंगे, तो उसके लिए सबसे होशियार कौन है, इंडायरेक्टली उसका उल्टा समझ लीजिए आप लोग, ओके, अच्छा नहीं लगता मेरे को बोलना, ओके, तो सबसे होशियार आप ही हो ना, तो इसलिए आपको क्रॉन के बारे में बोला, तो वो उसकी उसके एग्जांपल देने आपको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, 50,000 का जॉब लगने वाला है भाई, उसके लिए मेहनत करना है, जब अपन 80 मार्क पेपर निकालने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, डोर मेहनत करते हैं 6 महीना कंटिन्यू पढ़ते रहते हो, जॉब के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना 15 दिन, तो ये बना लीजिए आप लोग, हो गया आपका क्रॉन स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, उसके बाद हम लोगों को अभी एक पढ़ना है, अभी अभी फिलहाल अपने को अपन पढ़ेंगे वो, उसको कहते हैं हम लोग फ्यूचर मेथड, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ क्यूएबल मेथड, इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, वो जो है वो आपको पूछा जाता है, समझ में आ गया आपको यहाँ पे, वो हो गया आपका। अब बैच फाइल में किसी का बाप, सॉरी बाप नहीं, किसी का भी कितना भी एक्सपर्ट बंदा आ जाए और आपको क्वेश्चन पूछे, एक पेज में तो आप लोग उसको क्रैक कर सकते, करते कि नहीं मुझे बता, हेलो, और क्या पूछने वाला यार, मुझे बताओ ना। लेकिन जब तक तुम अपने हाथ से नोट्स नहीं बना सकते ना भाई, कुछ कितने पेज के नोट्स बने रहे बताओ, बोलो 2 पेज के नोट्स बनते, सिर्फ 2 पेज के अपने हाथ से रजिस्टर में लिखो, 2 पेज के नोट्स बनते, और आज तक का रिकॉर्ड है जो बंदा अपने हाथ से रजिस्टर में लिख के नोट्स बनाते रहे, क्वेश्चन आंसर का पीपीटी अलग रखे, क्वेश्चन आंसर वो अलग रखे, वो छोड़ दीजिए, खुद के पॉइंट्स निकाल रहे हम लोग, मालूम है क्या आपको, अरे मैं बता रहा हूँ ना, इसके आगे क्या पूछने वाला है आपको, क्रॉनी पूछने वाला है बैच का, उसके बाद और एक पूछता है वहाँ पे कि व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लास, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लास यूज इन अ सेल फोर्स, देर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, ओके, डिफरेंस बिटवीन ट्रिगर एंड बैच फाइल, ये क्वेश्चन आंसर्स की इसमें मिल जाएगा आप लोगों को, हो गया ना। अब मुझे बताओ, इतना परफेक्टली आपका बैच हो गया, अब उसको रोज आधा घंटा पढ़े तो उसके बाद मुझे बताओ, बोला भगवान भी आपको पूछेगा ना, तो आपको आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताओ। लेकिन ये बनाने के लिए आपको 2 घंटा 3 घंटा एक जगह पे बैठ के बनाना पड़ेगा, इसलिए ग्रुप लगता है, ग्रुप चाहिए, सबसे अच्छा ग्रुप वर्दे वालों का है, मैं
लेकिन कुछ वो ग्रुप का मतलब नहीं रहता। एक बंदे ने क्या करना चाहिए, प्रियंका और शीतल दोनों भी एचूर क्या है क्या है, ये दोनों जो बहने हैं, ओके ये दोनों बहने हैं ना, बहने हैं ना मैम, शीतल और ये छिल शीतल और प्रिया प्रियंका सर, हाँ, बहने हैं। इन्होंने क्या करना चाहिए भाई, तू नहीं क्या, चल तू बैच फाइल का पूरा नोट्स बना, गिरे मैंने जो पढ़ा है वही बता रहा हूँ, मैं बाहर का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा आपको इक्वल इम्पैक्ट है ना, क्योंकि दुनिया में हर का मेथोलॉजी अलग होता है। ये ले लीजिए आप लोग, एक जन ट्रिगर में बैठी है, क्या होगा ट्रिगर, क्या होता है ट्रिगर का, क्या ये मैंने सब पढ़ाया आप लोगों को, ट्रिगर कॉन्टेस्ट क्या होता है लिख के दिए ना मैंने आपको, ये अपने हाथ से लिखो, 3 पेज का ट्रिगर के नोट्स नहीं बनते, 3 पेज के, और बाद में क्वेश्चन आंसर के नोट्स आपको मैं दे दूंगा, ओके। उसके बाद कोई भी बैठे ना तुम्हारे सामने इंटरव्यू के ऊपर, रोज 15 मिनट आपको पढ़ना है। और मालूम है कि आपको मैं सीधी बात बता रहा क्या, जब अपन अपने हाथ में नोट्स बना लेते हैं ना 3 पेज के, हार्डली 15 मिनट लगते पढ़ने के लिए आपको, तो 15-10 ही मिनट लगते हैं, 10 मिनट में आपका ट्रिगर होता है, 10 मिनट में आपका बैच फाइल होता है, 5 मिनट में आप 10 मिनट में आपका टेस्ट क्लास होता है, ओके मतलब कितने हो गए 15-15 आधा घंटा, 40 मिनट में आपका पूरा डेवलपमेंट ही हो जाता है, ऊप्स के कंसेप्ट मिला के पूरा आपके नोट्स अपने हाथ में रहेंगे ना, अपने बने रहेंगे, अपने अपने मतलब आपके बने रहेंगे ना, 1 घंटा रोज पढ़ाई करोगे ना तो दुनिया का कोई भी बंदा आ जाए तुम्हारे सामने, गारंटी देता हूँ तुम फाड़ के रख दोगे। ये बंदे करते ही नहीं ना यार, और मेरा नाम ही ले रहे हो आप लोग, बहुत जन 2-3 बार मेरे को सुनाई दिया, तो ये नाम मेरा खराब करते हो, बताओ ना यहाँ पे बनाओ ना ये आप लोग नोट्स, ओके। अब ये नोट्स तो बनाना आपको इंजीनियरिंग में सिखाया होगा ना भाई आप लोगों को, तो ये बनाओ ना, हार्डली 10-15 पेजेस बनते आपके डेवलपमेंट के, अरे वही पूछने वाले और क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, रोज पढ़ो रोज पढ़ो, अरे 1 घंटा रोज ट्रिगर लिखना चालू रखो, रोज 1 घंटा ट्रिगर, रोज 1 घंटा ट्रिगर, वो 1 घंटा ट्रिगर हो गया, 1 घंटा आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स हो गए किसके, डेवलपमेंट के, और 1 घंटा तुम लोगों को बैच मतलब एडमिन के करना है, 3 से 4 घंटा रोज पढ़ाई करना है, 15 दिन कंटिन्यू पढ़ाई करो आप लोग, और उसके बाद अपन इंटरव्यू के लिए निकलते, ऐसे कैसे नहीं पास होते यार आप लोग, और ट्रिगर 1 से 1 लिख के देखना, वो करके देता हूँ भैया, सैटरडे संडे छोड़ दो, उसकी प्रैक्टिस मैं करवा दूँगा आपको, ओके। अब मुझे बताओ यार ऐसे कैसे सिलेक्ट नहीं होते, तो प्लीज़ थोड़ा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, तो पैनिक में मत जाओ आप लोग, और खुद का ट्राई करो, जब तक अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे मैं वापस बता रहा हूँ, मतलब नहीं है तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक तुम्हारे लिए सबको दो सब लोगों को एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ बैच फाइल बैच ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, और आपको मैं क्या कर देता हूँ एक मेरा हैंड रिटर्न में सिर्फ मैं पॉइंट लिख के देता हूँ आपको, तो वैसे आप नोट्स बना दोगे क्या रजिस्टर के अंदर, बस उसके अब कैसे देखो कैसे किसकी लेवल की थिंकिंग क्या होती है, प्रियंका मैम की थिंकिंग क्या है, अमोक की थिंकिंग क्या है, निखिल की थिंकिंग क्या है, उधर अर्चना की थिंकिंग, आराधना की थिंकिंग क्या है, ये मुझे नहीं पता ना, उस लेवल पे आप लोगों को अपनी थिंकिंग लेवल से आपके अपने नोट्स बनाना है, ओके। आई नो दैट कि शीतल मैन इज़ वेरी सुपेरियर एज कम्पेयर टू, ओके, राहुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब कंप्यूटर साइंस वाला है, नो डाउट उसको ज़्यादा नॉलेज है, प्रसाद को वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का होगा, वैभव मैकेनिकल का है, तो उसको इतना नॉलेज नहीं है, तो ऐसे क्या होता है वैभव का तरीका अलग होगा ना आपका, लेकिन इस तरह से आपके अपने हाथ से जब तक नोट्स नहीं बनाते, मैं देखा हूँ, मैं खुद भी बता रहा हूँ, हमने भी इंटरव्यू बहुत दिए, अपने हाथ से नोट्स मैं आपको खुद दिखाऊंगा, मेरे हाथ के नोट्स ऐसे पड़े हुए, कम से कम 150 से 200 पेज अपन नोट्स बनाते थे, उस वक्त तो कोई बताता भी नहीं था, ये वीडियोज निकाले कि इसके नोट्स अलग, मतलब बैच फाइल के मैंने 6 अलग अलग नोट्स बनाए हुए, ओके ये नोट्स मैंने मेरे वाले बनाए हुए नोट्स, ये देखो ये जो दिख रहे हैं ना आपको बैच क्लास के, मेरे नोट्स बनाए हुए हैं ये, मैंने आपको दिए हुए हैं, कितने गंदे हुए आपको नहीं समझेगा, ये देखो ये बैच फाइल के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, ये देखो ये सिंबॉलिक, ये देखो बैच फाइल की डेफिनेशन है क्या लिखा है मेरे को ही नहीं पता, ओके ये देखो ये मैंने बना के रखे है, ये मेरी प्रैक्टिस है कि मैंने बना के रखे ऐसे नोट्स, ये अपनी खुशहाली अच्छी बनाती है नोट्स, ये रहते हैं आपकी प्रैक्टिस, ये मैंने बनाए हुए हैं अपने तरीके, तुमको नहीं समझेगा ये नोट्स, अब ये तुम बनाओ ना ट्राई करो ना आप लोग, ये देखो मैंने पाथ लिख के रखा है बैच फाइल को कैसे रन करना पड़ता है, तो देखो यार ये चीज़ें बहुत मायने रखती है यार, ओके करोगे क्या आप लोग थोड़ा सा, आराधना आराधना प्रीति सर मैंने ट्रिगर्स और वीएफ पेजेस के बनाए हैं ऐसे खुद के नोट्स, कौन प्रीतिका, हाँ मुझे देना ना ट्रांसफर करना मुझे, ओके हाँ याद से भेजा आज, ओके हाँ ठीक है ना सर, चलिए ओके चलिए अभी देखते हैं हम लोग, आज संभाषण बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन नहीं है मेरे को आज 2-3 जगह से आया हुआ है सर हमको ये हो रहा है वो हो रहा है, बनाओ मैं लिख के देता हूँ तुमको,
नहीं ये मई अपन देख रहे हैं मई के 20 तारीख के बाद जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, ऐसे कैसे तुमको नहीं पूछता, वो गारंटी है आपको एंटर करना है, मतलब करना ही है। ओके कोई 99% में कोई चेक नहीं करता ट्रिगर को, वो ट्रिगर कैसे लिखा है वो चेक करता। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे क्यूएबल शीट पे। ओके ध्यान दीजिए, जाने दीजिए अपने पोथी पुराण तो चलती ही रहेगा, लेकिन अभी नोट्स बनाओगे सभी जन। ओके ये सैटरडे को सब मिलने वाले हैं आप लोग मुझे? यस सर सब। ओके यस सर, मुझे क्रॉन का जो एक स्टेटमेंट था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो कैसे लिखूं करके। जैसे मुझे 26 जनवरी को बैच फाइल लगाना है, तो उसका क्रॉन स्टेटमेंट कैसे लिखूंगी सर? 26 जनवरी को टाइम दिया है कि नहीं ना? टाइम कुछ भी सर, आप कुछ भी ले लो। नहीं नहीं टाइम नहीं दिया होगा तो, टाइम नहीं दिया होगा तो 000 और वहां पे अपने को देना पड़ेगा 26, और सिर्फ जनवरी में लगाना है आपको, दूसरे दिन नहीं लगाना। हाँ, 26 जनवरी ऐसा मुझे लगाना है सर। 26 जनवरी कैसे लिखूंगी मैं? तो है ना वहाँ पे बहुत से एग्जांपल है, मैं दे देता हूँ आपको। ओके ऐसे ढूंढो आप लोग एग्जांपल। ओके चलिए मैं दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बैच फाइल लगती नहीं कभी, बट एक आधे ने बोला, आप लोग कस्टमर ने बोला, वो कस्टमर ही क्यों ना मेरे लिए पे कर रहे हो, तो मुझे बना के देना ही पड़ेगा आपको। ओके मैं दे देता हूँ आपको। चलिए चलिए अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे वर्किंग। अब हम लोग देखते हैं क्यूएबल शर्ट, क्यूएबल शर्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। ओके कोई ऐसा कोई मैजिक वाला नहीं। मैंने देखो यहाँ पे अपने देखा कि आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे मैंने बैच अपेक्स में कुछ भी आपको लॉजिक नहीं पढ़ाया। मालूम है कि आपको पढ़ाया क्या? एक सिर्फ वो अकाउंट को लिया था, रेटिंग को इधर उधर उधर घुमा है, सब सब जिंदगी पूरा ट्रिगर में मैंने किया हुआ है। क्लियर हो गया आपको? आप इसलिए तो बोल रहा था डरो मत लॉजिक के लिए, लॉजिक वो ट्रिगर में खत्म हो गया, उसका टेंशन लो मत। वही लॉजिक पूछते हैं, बाकी कई जगह पे सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप देखोगे ना वर्किंग करते हुए, है ना, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि वो आपको मैं सॉल्व करके देता हूँ। तो देखिए भाई क्यूएबल स्टेटमेंट क्या होता है, तो क्यूएबल अपेक्स क्यूएबल स्टेटमेंट बोलते हैं। ये क्या होता है देखिए आप ध्यान दीजिएगा। अभी मेरे पास क्या है, एक अकाउंट नाम का रिकॉर्ड है, ध्यान दो रे, एक अकाउंट नाम का रिकॉर्ड है, एक मेरा कॉन्टैक्ट नाम का रिकॉर्ड है, और एक मेरा लीड नाम का रिकॉर्ड है, और एक मेरा स्टूडेंट नाम का रिकॉर्ड है, ध्यान दो। ओके ये कंसेप्ट इंटरव्यू में यही पूछ बताने का, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओके वो अपने इसमें अकाउंट रिकॉर्ड है अपना, एग्जाम्पल देते वक्त बताना अकाउंट रिकॉर्ड, उसके बाद ये मेरा कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड है, और उसका थर्ड मेरा लीड रिकॉर्ड रहेगा आपका, और रिकॉर्ड रहेगा आपका फोर्थ, क्या आंसर रहेगा आपका अपॉर्चुनिटी रहेगा आपका एग्जाम्पल तौर पे, अपॉर्चुनिटी रहेगा आपका, और एक अपना कस्टम रिकॉर्ड रहेगा स्टूडेंट डिटेल। ओके अब ये मेरे रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड्स रहेंगे, ये मेरे रिकॉर्ड्स रहेंगे। इतना क्लियर होगा कि आपको मुझे बताओ। अभी मुझे क्या करना है, इसको मुझे बैच क्लास के थ्रू, ध्यान दो, बैच क्लास के थ्रू मुझे क्या करना है, ध्यान दो, ये बैच क्लास के थ्रू मुझे बैच क्लास के थ्रू मुझे क्या करना है, सबको शेड्यूल करना है, क्या करना है शेड्यूल करना है। समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, मुझे शेड्यूल करना है। यस और नो? ये पांचों के पांचों जो ऑब्जेक्ट है, पांचों के पांचों जो रिकॉर्ड है, मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा ना, यहाँ पे देना पड़ेगा, यस और नो? देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा अनुराधा? यस सर। अनुराधा आजकल बात ही नहीं करती है, समझ में नहीं आ रहा क्या बेटा तुमको? ये देखो यार आ गया डेटा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये डेटा आ गया आपका, यस ओके। लेकिन अभी झगड़ा करेगा ना, वो अकाउंट बोलेगा मेरे को पहले जाने दे, कॉन्टैक्ट बोलेगा मेरे को पहले जाने दे, स्पेलिंग गलत हो गया, लीड बोलेगा मेरे को जाने दे। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग क्या कर देते हैं, ये बैच क्लास को क्यूएबल क्लास बना देते हैं।
समझ में आ रहा है कि आपको इस क्लास को हम लोग क्या बना देते हैं बताओ ना रे भाई, हम लोग इस क्लास को क्यूएबल क्लास बना देते हैं। हम समझ में आ रहा है, हम लोग क्यूएबल क्लास बना देते हैं और वहाँ पे ये क्लास को अपन क्या बोलेंगे, क्यूएबल क्लास बना देते हैं। हम लोग इस बैच क्लास को अपन क्यूएबल क्लास बना देते हैं और हम लोग बोलते हैं भाई अकाउंट ये तेरा आईडी नंबर है, आईडी नंबर 001, ये आईडी नंबर है 002, इसका आईडी नंबर अपन दे देंगे इक्वल टू 002, इसका आईडी नंबर दे देंगे हम लोग, समझ में आ रहा है क्या, ऐसे ही होता है 003, इसका आईडी नंबर दे देंगे हम लोग ओके 004। क्या होता है, झगड़ा कर रहा है ना, क्या होगा, कुछ भी नहीं, वो नवा पहले आप करके गाड़ी छूट जाएंगी ओके। ये झगड़े करते रहेंगे तो क्या होगा, क्लाउड में कंजक्शन हो जाएगा और आपका पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट बोलेगा मैं जाता हूँ, कॉन्टैक्ट बोलेगा मैं जाता हूँ सेलपोर्ट सर्वर के अंदर, यस और नो। तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये बैच क्लास को हम लोग क्या करेंगे, क्यूएबल बना देंगे। क्लियर हुआ क्या आपको, पहले बता, क्यूएबल बना देंगे हम लोग, और क्यूएबल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक रिकॉर्ड को एक आईडी दे देंगे और ये बैच क्लास को अपन क्या करेंगे, क्यूएबल क्लास बना देंगे। और ये क्लास को मुझे क्यूएबल क्लास बनाना है, ध्यान देना, ये क्लास को मुझे क्यूएबल क्लास बनाना है तो मुझे क्यूएबल नाम का इंटरफेस अटैच करना पड़ता है। तो पहली बार देखो, हर जगह पे आप लोगों को बैच क्लास के अंदर हर जगह पे इंटरफेस अटैच करना पड़ रहा है। सादे क्लास को मुझे बैच क्लास बनाना है तो आपको डेटाबेस डॉट बैचेबल नाम का इंटरफेस अटैच करना पड़ता था, याद है आपको। उसके बाद मुझे मेरे क्लास नॉर्मल क्लास को शेड्यूबल क्लास बनाना है तो मुझे शेड्यूबल नाम का डेटाबेस अटैच करना पड़ता था। वैसे ही मुझे नहीं, क्या इसको क्या करेंगे हम लोग बताइए, नॉर्मल क्लास को मुझे क्या है, क्यूएबल क्लास बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटरफेस अटैच करना पड़ेगा क्यूएबल नाम का। तो जैसे क्यूएबल नाम का इंटरफेस अटैच कर दूंगा तो सेलपोर्ट को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आने वाले हैं, इसको अपने को एक क्यू में लगाना है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्यू में लगाना है, लाइन लगाओ। समझ में आ रहा है क्या, लाइन लगाओ रे बाबा, चलो लाइन लगाएंगे, वो क्यूएबल में ले देंगे। ये हो गया क्यूएबल ऑपरेशन, समझ में आ रहा है आपको। बाद में 1010 रिकॉर्ड यहाँ पे चला जाएंगे 001, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा, चौथा आएगा, पाँचवा आएगा, और वो क्या करेगा बाद में एक एक को रन करवा के देगा। ये काम करता है आपका क्यूएबल स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूएबल ऑपरेशन, यस और नो। समझ में आया क्या आपको कंसेप्ट, क्यूएबल का मतलब क्या रहता है, तो एनी डाउट्स, अब इसी इजी कोई पूछ नहीं सकता आपको ओके। तो चलिए अपन देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चलिए अपन जाते हैं हमारे उसमें, कोई पढ़ाता भी नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ ना, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी आजकल पूछते हैं बहुत ओके। हम लोग डीबग में जाएंगे, सॉरी क्लास बनाते हैं हम लोग, फाइल के अंदर, न्यू के अंदर, ये अलग ही रहता है, कोई ऐसा अपने को किसी और डेटा हैंडल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं एक क्लास देते हैं क्यूएबल, क्यूए क्यूएबल अकाउंट डेमो ओके। ये बन गया आपका क्लास, आपका क्लास बन गया, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग, अब ये नॉर्मल क्लास है ना मेरे को, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, इस क्लास को हम लोग इंटरफेस अटैच कर देंगे ओके, इंटरफेस अटैच कर देंगे, कौन से नाम का, क्यूएबल नाम का, क्यूएबल नाम का, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, क्यूएबल नाम का, क्यू क्यूएबल नाम का इंटरफेस अटैच कर देंगे, क्लियर हो गया, क्यू यू ई यू ई ए बी एल ई, क्यूएबल नाम का इंटरफेस अटैच कर देंगे। अब मैंने रूल क्या रहता है बताओ, पर बताओ रे मुझे, क्योंकि कोई भी इंटरफेस जब हम अटैच करते तो उसके अंदर की मेथड को मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है, याद है ना आपको, वॉइड, यस, क्लियर हुआ क्या आपको, यस सर, यस सर, याद है ना, एग्जीक्यूटिव, अब ये आपको इतना याद रखना है आपको ओके। और वही है यहाँ पे, ये लिख ही रहता है ओके।
QUEUEA BLE contest. Okay, contest. QC हो गया आपका, एंटर कर देंगे हम लोग यहाँ पे. ओके चलिए, तो क्या होता है इसके अंदर क्यूएबल नाम का अपन इंटरफेस जब इस क्लास को लगा देंगे तो ये मेरा क्यूएबल ऑपरेशन हो जाता है. और जब भी अपन क्यूएबल ऑपरेशन करते हैं तो क्यूएबल का रूल रहता है, क्यूएबल में हमेशा आपको ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड देना पड़ता है तभी जाके वो ऑपरेशन करेगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट नाम का एक मैं क्या करूँगा डैंडोरे, अकाउंट नाम का मैं क्या करूँगा एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा ए. क्लियर हुआ क्या, इक्वल्स टू न्यू अकाउंट बना दिया अपन ने. क्लियर हुआ क्या, इतना याद है करे, समझा क्या क्या कर रहा हूँ मैं तो. ओके जादू नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. ये रहेगा आपका ओके, और यहाँ पे अपन एक दे देंगे, यहाँ पे अपन दे देंगे a.name. चलो वो अभी मेरे को नोट देने वाली ना कृतिका, इसका नाम दे देते हैं कृतिका. ओके ये रहेगा आपका सेमी कॉलम. ओके तो यहाँ पे ए डॉट इंडस्ट्री दे देते हम लोग, बैंकिंग दे देते, बहुत पैसा रहेगा इसके पास बैंकिंग. क्लियर इट हो गया आपको, समझ में आया कि आपको मुझे बताइए, एनी डाउट्स. क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, और अपन इसको क्या कर देंगे इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे. ओके इंसर्ट बताने के लिए, नहीं तो अपन बाय स्टैंडर्ड वे से अपन इंसर्ट लगाते क्या कभी भी, बताओ लगाते क्या? क्या लगाते हैं? डेटाबेस डॉट इंसर्ट. मैं फिलहाल इतना करवा के दे रहा हूँ. क्लियर हो गया आपको यहाँ पे. तो अपन ने क्या किया, एक रिकॉर्ड बनाया अपन ने. क्लियर हुआ क्या, एक रिकॉर्ड बनाया हम लोगों ने, और ये रिकॉर्ड बना के मैंने क्या कर दिया उसको अटैच करवा दिया. इतना क्लियर हुआ क्या मुझे, मैं तो बताओ. यस एनी डाउट्स, क्लियर इट ना, मुझे बताइए. नहीं हुआ होगा तो मुझे बताइए यहाँ पे. तो ये मेरा एक बन गया. ओके अब मैं इसको रन करूँगा, तो रन करना है मुझे तो कैसे रन करूँगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे. हाँ क्या है, म्यूट करो रे, कौन है ये? ओके ये क्यूएबल का अपन रन करेंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, इसको रन करेंगे हम लोग. ओके क्यू ए डी इक्वल्स टू न्यू ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमी कॉलम एंटर. मैंने आपको बताया था यहाँ पे, क्या बताया था मैंने आपको, क्योंकि अपने को जितने रिकॉर्ड्स को वर्क करना है तो हर एक रिकॉर्ड को अपने को आईडी देना पड़ेगा ना, यस और नो देना पड़ेगा आपको यहाँ पे. तो यहाँ पे कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू जॉब आईडी. ओके इक्वल्स टू यहाँ पे दे देंगे सिस्टम. अब ये आपको याद रखना पड़ेगा. ओके इतना इन क्यूएबल, ये हर बार क्यूएबल मेथड में ऐसे ये कॉमन रहेगा क्या, आईडी हाँ, जॉब आईडी वाला? हाँ ये यही रहेगा, यही काम रहता है उसका, और कुछ नहीं रहता, सेम. और ये देखो मैं बता रहा हूँ वापस से आपको, क्लियर बता देता हूँ. ओके कंपनी में आपको ये लेवल में कोई नहीं लेके जाता, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं ना वही जाते हैं, समझ में आ रहा है, ये काम करते हैं. बहुत कम पूछा जाता है आपको, लेकिन इंटरव्यू में पूछते कभी कभी, एक्सपीरियंस वालों को तो पढ़ा ले से इसके अंदर वर्क करवाते हैं. चलिए ये क्लियर हुआ क्या आपको मुझे बताओ, समझा क्या? अरे भाई बताओ ना. यस सर, काउंट के अंदर जो है पर्टिकुलर वही दो फील्ड के रिकॉर्ड जाएंगे क्या? हाँ आपको ज़्यादा लिखना है तो ज़्यादा लिखो. अब ये हो गया अकाउंट के लिए, तो मैं बाद में एक और एक क्लास बनाऊंगा क्यूएबल कॉन्टैक्ट डेमो इम्प्लीमेंट क्यूएबल, उसके बाद पब्लिक वाइड एग्जीक्यूट करेंगे, क्यूएबल कॉन्टैक्ट लिखेंगे यहाँ पे, कॉन्टैक्ट सी इज इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट लिखेंगे, बाद में सी डॉट फर्स्ट नेम सी डॉट लास्ट नेम, और इसको इंसर्ट सी करेंगे. कर लिया, ये दूसरा ऐसा ही बनाएंगे हम लोग. क्लियर हुआ क्या?
अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे बनाएंगे यहाँ पे, ये जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनाया ना वैसे उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्यूएबल कॉन्टैक्ट का यहाँ बनाएंगे उसको, और इसके नीचे लिखेंगे आई डी जॉब आई डी सिस्टम डॉट क्यूएबल जॉब, इसके बाद मतलब वो सेकंड आ जाऊंगा। आप लोग को लीड के लिए बनाना है तो लीड के लिए बनाओ, ऐसे अलग अलग बना रखे, ऐसे अपने को क्यूएबल में लगाना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? फिनिश मेथड नहीं यूज करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये फिनिश मेथड का कंसेप्ट ही नहीं बेटा, ये फिनिश मेथड का कंसेप्ट ही नहीं है। ओके, हम लोग क्यू में लगा रहे हैं हम लोग, ओके, उसको क्यूएबल में लगा रहे हैं। ये ग्लोबल वगैरह नहीं करता ना सर? नहीं नहीं नहीं, ये क्यूएबल बहुत बार पूछते हैं ना, ये बहुत समझाते नहीं कोई भी कहीं। अभी आप जैसे ही देखो क्या होगा बेटा, मैं सिंपल बता देता हूँ, अपने नॉर्मल क्लास को जैसे ही मैं ये इंटरफेस लगा दूंगा ना, वैसे नीचे एरर आती है, मालूम है क्या आपको? समझ आ रहा है? वो एरर आते हैं कि आपने एग्जीक्यूट नाम की मेथड अटैच नहीं किया, तो समझ जाने का इसके अंदर एक ही मेथड है। ओके okay. समझ में आ गया आपको? इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने। yes. क्या बोल रहा है? क्लास क्यूएबल मस्ट इंप्लीमेंट क्यूएबल इंटरफेस। क्यूएबल का स्पेलिंग गलत है यार, स्पेलिंग तो बराबर ईएन हो गया क्या सर? ईएन क्यूयूई सिस्टम डॉट बराबर दिया ना एग्जीक्यूटेबल, क्या बोल रहा है वो? क्लास क्यूएबल डेमो मस्ट इम्प्लीमेंट द क्यूएबल इंटरफेस। सर क्यू के बाद जो ई लगा है सर, वो सर यू गलत नहीं है, देख लेते हैं अपन क्या रहेगा। तो छोड़ दीजिए सर, वो एरर में सर क्यूएबल का स्पेलिंग गलत हो गया, क्यू यू ई ए चाहिए वहां पे, क्यू यू ई ए। हां ऊपर आप, हां सर यू के बाद ई, ऊपर ए लिखा है ना। चलो मैं इसको क्लियरिफाइड कर लेता हूं ना, अपन जाने दीजिए ना, होता है हमेशा क्यूएबल डाल देते हैं ना, ऐसे डीसी दिखा। चलिए वेट अ मिनट, हम लोग देख लेते हैं ना, कोई इसे टेंशन नहीं है। वे वे। सर ई ए बी एल ई दिख रहा है आपको? हाँ यू यू ई यू ई ए बी एल ई, यू ई यू यू ई यू ए ई ए बी एल ई, ए ई ए बी एल ई सर, ई ए बी एल ई, ई ए एल ई ए बी एल ई। ये बहुत बार पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड एज ए मेथड्स। ओके देख लेते हैं, सेव इंसर्ट किया, कॉपी कर लो सर, कॉपी कर लो और उधर पेस्ट कर। स्पेलिंग का ही गलती है, के मिसिंग है ऊपर वाले लाइन, स्पेलिंग में ही प्रॉब्लम है सर। क्यूएबल जो मेथड है थी वो अपने को क्यू में पर्टिकुलरली लगा कर फ्यूचर मेथड मतलब फ्यूचर में रन होती है उसके लिए यूज होती है क्या? यस 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 यस, वेरी गुड। फ्यूचर मेथड में सर फिर अपन फिनिश यूज करेंगे क्या? हां यस, फ्यूचर मेथड में अपन फिनिश नाम का मेथड यूज करेंगे? नहीं नहीं,
नहीं यूज कर सकते हैं। सर एग्जीक्यूटिव में उन्होंने कॉन्टेक्स्ट करके कुछ अलग दिया है, क्यूएबल कॉन्टेक्स्ट के बाद कॉन्टेक्स्ट, क्यूएबल कॉन्टेक्स्ट के बाद और एक कॉन्टेक्स्ट है, लिखते वो तो इंस्टेंस है ना, नहीं नहीं इंस्टेंस है वो तो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई इसके लिए नहीं है, देखते हैं कोई तो स्पेलिंग का ही गलत है। और सर फर्स्ट वाले लाइन में जो क्यूएबल है ना उसमें ए मिसिंग, देखते हैं अभी जाने देना, अभी रिसर्च नहीं करते, डोंट वरी ले लेते हैं, टेंशन मत ले। ओह माय गॉड ये तो नाम है ना सर जो हमने दिया था, हाँ वो देना ही पड़ेगा ना, वो चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, हाँ याद रखिएगा, बाकी सब चेंज कर सकते दुनियादारी। चलिए हो गया आपका एग्जीक्यूटेड एरर, देखते हैं अभी हो जाएगा, करेक्ट है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन किया वो कोड है मेरा। सर सर जहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं ना असिंक्रोनस वो विंडो है ना हमारी, वहाँ पे जो कॉल कर रहे हैं वहाँ पे स्पेलिंग गलत हो रहा है सर, प्रोग्राम में स्पेलिंग बराबर लिखा है, कहाँ पे गलत हो रहा है, ये यहाँ पे कुछ तो भी मिसिंग है, क्यू यू ई यू ई ई के बाद यहाँ पे यू चाहिए, देखते हैं अपन यहाँ पे यही तो लिखा है ना, स्पेलिंग का प्रॉब्लम, देखो यही उठा लेते हैं हम लोग, देखो हो गया नहीं है वो रन होगा, टेंशन मतलब आपका रन हो जाएगा कोड, टेंशन मत ले, लोड मत लीजिए उसका, ओके अब टेंशन मत लीजिए, रन हो जाएगा कोड, नहीं ऐसा टेंशन लेने लायक है नहीं, वो रन हो जाएगा, कभी कभी हो रहा है दो चार दिन से इसके अंदर तकलीफ जा रही है चेसबोर्ड्स के अंदर, तो कोड इज परफेक्टली राइट, ओके वो एरर देता है, आज जो वर्किंग चालू है सर देखो ऐसा रहता है सबका दिमाग रहेगा, तो अपन ने सेव ही नहीं किया था याद है क्या, और अपन दिमाग लगा सॉरी यार सॉरी 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 वो होता है कभी कभी एक आधे बार, ओके अपने अब समझ में आ गया क्यूएबल क्या रहता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके नो वन कैन बी आस्क यू द व्हाट इज़ अ कोडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर, बट आपको आना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर हो गया आपको, तो ये यू चेक इट दैट दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द क्यूएबल अपेक्स, इज इट क्लियर, दैट इज़ द मेन पर्पज, ओके यू हैव द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एट दैट टाइम, ओके यहाँ पे जम्बलिंग हो सकता है, सो दैट्स वाई हम लोग इसको एक क्यूएबल में लगाते हैं, तो हर एक रिकॉर्ड को हम लोग की आईडी देते हैं ना, दैट आईडी वो क्या करता है क्यूएबल में प्रोसेस करवाता है, यस और नो, समझ में आ रहा है कि आपको, यस यस सर, इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी, ओके यस सर, क्लियर इट ना, वेरी गुड, अभी तक अपन ये कर रहे थे उसको सेव ही नहीं किया था, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, चलो अभी ये वर्किंग हो गया आप लोगों का क्यूएबल, ये आपको पता रहना चाहिए, ओके तो क्यूएबल में आपको मैं बता देता हूँ क्या रहेगा, तो आपका ध्यान दीजिएगा, ओके क्यूएबल में आपको चेक करना है इस क्यूएबल को, तो मुझे चेक करना है इसको, तो मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इसको बंद कर देते, इतना था अपन ने क्यों किया यार, चलिए सेटअप में जाते हैं हम लोग, सेटअप में जाते हैं, अगेन सेटअप में जाते हैं हम लोग, ओके सेटअप में जाने के बाद ये आप होम पे आते हैं, होम पे आने के बाद ये आप चेक कर सकते हो, ओके एपेक्स जॉब के अंदर, ओके एपेक्स जॉब के अंदर चेक कर लीजिए आप लोग, ओके यहाँ पे देखो क्यूएबल लग गया आपका, कंप्लीट हुआ आपका, ओके या क्यूएबल प्रोसेस करवा रहे हैं, यस और नो क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताइए, ओके ये वर्किंग करेंगे, ये क्यूएबल का वर्किंग करवा रहे हैं, देखिए एक आधा अपन ने पुराना जो एक आधा बैच है किया क्या अपन ने, लेकिन ये डोंट वरी इंटरव्यूज के लिए काफ़ी रहता है, ये टेंशन नहीं लीजिए, मैं भी ज़्यादा इसके ऊपर वर्क नहीं किया, चलो क्लियर हो गया आपको क्यूएबल, यस वो अपनी गया होगा क्या वहाँ पे, कोड गया yes. आपका क्यूएबल में लग गया है वो, रन बाद में होता yes, है नहीं होता, उसको रन करने के लिए अपने को शेड्यूलिंग करना पड़ता है उसको, सब अलग प्रोसीजर होती है, अभी क्यूएबल क्या हुआ है क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताइए, यस yes. अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको, ओके लिसन यार रिमेनिंग वर्ड थिंग यहाँ पे देखो स्टेटफुल भी आपको देखिए पूछा जाता है, मैंने आपको स्टेटलेस और स्टेटफुल लिख के रखना, ये क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ आपको, क्यूएबल उसको कैसे रन किया ये पूछा था, डिफरेंस बिटवीन क्यूएबल एंड द फ्यूचर मेथड्स, क्लियर हो गया, क्यूएबल
क्यूएबल मेथड क्या होती है, क्यूएबल एक इंटरफेस होता है, क्लियर हो गया क्या आपको? और क्यूएबल में हम लोग जब वर्क करेंगे तो उसमें क्या होता है, हर एक रिकॉर्ड को एक जॉब आईडी मिलती है, यस और नो? क्लियर हो गया क्या आपको? यस सर। और हर एक जॉब आईडी में अपने को क्या करना पड़ता है, ये देखो ये जॉब आईडी मिल रही है ना आपको, देखो ये जॉब आईडी मिलती है, जान लीजिए जॉब आईडी मिलती है आपको, क्यूएबल में जॉब आईडी मिलती है। और हर एक जॉब के अंदर अपने को एक ऑब्जेक्ट भेजना पड़ता है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्यूए, इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है बताओ, अकाउंट का ऑब्जेक्ट है, फिर अपने को हर इसमें अपने को एक ऑब्जेक्ट भेजना पड़ता है, एस ऑब्जेक्ट भेजना पड़ता है कंपलसरी। क्या लिखा है, वी ट्रैक द क्यूएबल गेटिंग जॉब आईडी, ये जॉब आईडी से इंडिकेट करता है कि आपका डेटा कौन से, मतलब अकाउंट का डेटा कहाँ पे है, तो वो क्यूएबल में आपको समझ में आता है कि कौन से पोजिशन में है, अभी कब राउंड होने वाला है, क्या होने वाला है, ये सब अपन इसके ऊपर वॉच कर सकते हैं क्यूएबल में। वी कैन ट्रैक द क्यूएबल, वी कैन पास द एस ऑब्जेक्ट इन क्यूएबल अपेक्स। ओके, समझ में आ रहा है क्या? एग्जीक्यूशन नंबर ऑफ क्यूएबल अपेक्स इज इन क्यू, क्यू में रहता है कब कौन से इसमें रन होगा आपका, अकाउंट पहले देंगे तो अकाउंट पहले रन होगा आपका। बाद में एक फ्यूचर मेथड होती है, फ्यूचर मेथड और क्यूएबल मेथड दोनों का काम वही होता है। समझ में आ रहा है क्या? क्यूएबल समझ में आया कि मुझे पहले बताओ यार, पहले सर वो अकाउंट, जैसे अकाउंट का हमने दिया है तो उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे पहले वो रन होंगे? नहीं ना बेटा, जिस उसके अंदर जितना एक रिकॉर्ड दिया अपने एक ही है, उसके अंदर 10 रिकॉर्ड देंगे तो वो 10 रन होंगे आपके। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड दिया ना मैंने, मैन्युअली देना पड़ेगा वैसे रिकॉर्ड। यस सर, अपन क्या करेंगे, लिस्ट में भेजेंगे अकाउंट के सब रिकॉर्ड, तो सब रिकॉर्ड को एक ही आईडी काउंट करेगा। समझ में आ रहा है आपको? एक लिस्ट बनाएंगे, याद है क्या, एक लिस्ट बनाएंगे उसके अंदर अकाउंट लेंगे, सब अकाउंट लेंगे, वो ऐड कर देंगे और बाद में इंसर्ट कर देंगे बाद। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट के लिए सर एक ऐड देना पड़ेगा ना सर, पर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा ना क्यूएबल? हाँ हाँ, अलग 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 अलग, अकाउंट के लिए अलग, कॉन्टेक्ट के लिए अलग, अलग, हाँ अलग अलग के लिए अपने को बनाना पड़ेगा और क्यू में डालना पड़ेगा आईडी और जॉब, इस तरह से। क्लियर हो गया आपको? लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्यूएबल में आपको क्यूएबल नाम का एक इंटरफेस होता है, ओके, उसके अंदर अपने को एक जॉब आईडी रहती है। जॉब आईडी क्या करती है, आपका डेटा कैसे रन हो रहा है, नहीं रन हो रहा है, उसको ट्रैक करते रहता है। और आपको क्यूएबल में आपको क्या करना पड़ता है, क्यूएबल में आपको कंपलसरी ऑब्जेक्ट, एस ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, एस ऑब्जेक्ट मतलब अकाउंट कॉन्टैक्ट, ये देना पड़ता है आपको। ओके, ये डिफरेंस रहेगा। क्लियर हुआ क्या? इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत पेटेंट क्वेश्चन है। ओके, क्लियर इट क्या, समझे क्या आपको? ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है, टेंशन मत लीजिए, इसको पढ़ के रखिएगा आप लोग। ये तभी जब इंटरव्यू देते ना तभी समझ में आता, तब तक समझ में नहीं आता। लेकिन मैं बहुत लोग पढ़ाते नहीं, लेकिन मैं पहले बता के रखा, फ्यूचर मेथड जो होती है ना, ये फ्यूचर मेथड क्यूएबल के समान ही होती है, याद रखिएगा। क्यूएबल भी क्या करती है, आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है तो उसको क्या करते हैं, क्यू में डालते हैं। देखो अपन मंदिर में जाते हैं, कोई क्या बोलते हैं इसको, बालाजी के मंदिर में जाता है, तो मैं नागपुर से जा रहा हूँ, कोई कोई दिल्ली से आता है, कोई कलकत्ता से आते हैं, कोई साउथ से आते हैं, लेकिन लास्ट में वो क्या करते हैं, एक क्यू में लगते हैं ना, यस और नो? समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। ओके, बाद में वो दर्शन लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तो सेम ऑपरेशन है क्यूएबल में, लेकिन क्यूएबल में क्या होता है, परफेक्शन रहता है। परफेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे आपको बता देता हूँ, अब अपन जब इसके क्या बोलते हैं तिरुपति के लिए जाते हैं ना, तो आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन मतलब एक जॉब आईडी आपको पहले से मिलता है, याद है क्या आपको? क्लियर हुआ क्या आपको? मतलब आपका कन्फर्म, आपको कन्फर्म हो जाता है कि आप लोगों को वहाँ पे दर्शन मिलेगा, क्योंकि आपके लिए वो टाइम दिया हुआ है उन्होंने, यस और नो? क्लियर हो गया? वो इसमें भी क्या, फ्यूचर जो मेथड होती है ना, फ्यूचर मेथड में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। जैसे एक आधे बार अपन ने क्या, शिरडी में जाते जाते ना आप लोग, शिरडी में याद है क्या, शिरडी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, जाते हम लोग, ओके, जाते अपने को जैसे मन हो गया वैसे जाते, अपनी बेचारी गाड़ी का पंचर हो गया तो वो सुधार के सुबह 5 बजे पहुँचना तो शाम के 5 बजे पहुँचते। फ्यूचर में क्या होता है कि आपको कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ रहा है क्या आपको? इज इट क्लियर? ना आईडी रहता, ना कुछ रहता, ना कुछ रहता, ना कोई ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है, ये डायरेक्टली प्रोसेस करते रहता है। ओके, वो रहता है आपका फ्यूचर मेथड। इज इट क्लियर? तो वो मैंने आपको नेट के ऊपर इसका इसमें इंट्रीज में दिया हुआ है, वो पढ़ के रखिएगा आप लोग। तो ये रहेगा आपका बैच फाइल। क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताओ बैच क्लियर हो गया आपको? Yes, ट्राई कीजिए। तो बैच में मैंने देखो, मैंने आज बताया कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे और उसको बहुत टॉपिक वैसे, तो मैं क्या करूँगा, एक पेज बनाता हूँ, इस पेज में मैं सिर्फ पॉइंट लिख के रखूँगा। ओके, उसको आप लोग अपने नोट्स में बराबर प्रॉपर वैसे बनाइए और उसके बाद देखिए आपका
आपका नहीं इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो मैं बताता हूँ आपको, वैसे ट्रिगर के बारे में भी लिख के दूंगा आपको, ओके। लेकिन वो नोट्स आप अपने तरीके से बनाइएगा, ओके, मतलब डिफ्रेंशिएट रहेंगे अलग अलग नोट्स, बट आप बनाइए अपने लिए। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे उप्स कंसेप्ट के भी मैं क्वेश्चन आंसर लिख के दे दूंगा, क्वेश्चन पॉइंट लिख के रखूंगा, उसके तमाम नोट बनाइए। लगेंगे 2 दिन आप लोगों को, ओके, लेकिन परफेक्ट हो जाएगा। SOQL के लिए, SOSL के लिए भी मैं आपको पॉइंट दे दूंगा। और जब देखोगे ना आप लोग, डेवलपमेंट के बहुत हो गए 10 पेज भी नहीं होते आपके रजिस्टर के, ओके। उतने ही पढ़ के इंटरव्यू के लिए जाना है आप लोगों को, और रोज की प्रैक्टिस कोडिंग की। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया आपको? यस सर। चलिए अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो रे, ऐसे करते होंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन क्या ऐसे चिल्ला के नहीं होता कुछ। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्लास। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आजकल वो पूछा जाता है टेस्ट क्लास, पूछते हैं क्या रहता है टेस्ट क्लास। एक लड़का विनोद नाम का, क्या रहे अंकुश उसका नाम क्या, पुणे में लगा वो तेरा दोस्त विनय नाम को एक ही क्वेश्चन, ये टेस्ट क्लास के एक ही क्वेश्चन है, आप पहले पर्सन हो बोले जिसने हमको सही आंसर दिया बोले, और उसको चिल्ला चिल्ला के मैं सिखाता हूँ, तो भी वही बंदे ने सिर्फ आंसर दिया था, ओके। तो टेस्ट क्लास क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बताया, मैंने आपको सेल्फोर्स का ड्रॉबैक क्या बताओ, ड्रॉबैक ऑफ सेल्फोर्स बिकॉज द सेल्फोर्स इज अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, ओके। यस, क्या रहेगा आपका? क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। सीधा बोलना कि सेल्फोर्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि अपने को क्लेरिफाइड भी करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं होता कि आपने बता दिया हो गया। वाई? क्योंकि जब क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर रहेगा ना, तो हर इसकी लिमिटेशंस रहती है। मालूम है कि इसमें आपको स्पेस की लिमिटेशंस रहती है, स्पीड की लिमिटेशंस रहती है, हर चीज़ की। क्योंकि क्या होता है कि सेल्फोर्स आपको एक ऑर्ग देता है, मालूम है क्या आपको ऑर्ग देता है ना, ओके, यस सर, एक पर्टिकुलर साइज का ही ऑर्ग देता है। इसका मतलब क्या होता है, आपको जो भी काम करना है उस ऑर्ग के अंदर ही करना है, उतनी साइज के अंदर करना है। यस और नो? क्लियर हो गया आपको? बट क्या होता है, कभी कभी वो ऑर्ग फुल हो गया तो प्रगति क्या नाम है वो एलएन सर की तरफ से, प्रगति मुझे बताओ, वो ऑर्क खत्म हो गया, ऑर्क पूरा फिल हो गया होगा ना, आप 10 साल काम करोगे तो कभी ना कभी तो वो ऑर्क में पूरा डेटा फिल हो जाएगा ना, उसकी मेमोरी फिल हो जाएगी कि नहीं, होगी कि नहीं? यस सर, ओके, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर रहने के कारण अपने कंप्यूटर में ये नहीं है, क्या बोलते, स्पेस नहीं है, वो उसने क्या किया, सेल्फोर्स में अपने को स्पेस दी हुई ना। तो वो क्या बोलता है, सेल्फोर्स क्या बोलता है, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बोलते हैं सेल्फोर्स की, कि आप वही लिखो जो सेल्फोर्स में ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मत लिखो। क्यों? क्योंकि ये क्लाउड सॉफ्टवेयर है, क्लाउड सॉफ्टवेयर में आपको एक लिमिटेड स्पेस दी हुई है। लिमिटेड स्पेस देने के कारण क्या होता है, उसमें लिमिटेशंस बहुत रहती है। वो एक बार स्पेस क्रिएट खत्म होगी तो उसके बाद आपको नया ऑर्ग बनाना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर बना लेंगे नया, लेकिन भाई पुराने ऑर्ग का डेटा इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बहुत झंझट रहती है, नहीं तो पूरा उसको वापस से बनाना पड़ेगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्लियर इट? समझ में आया क्या आपको? ओके, तो इसलिए उसने क्या किया गया है कि अभी मुझे बताओ, अभी आप एग्जांपल देता हूँ, मैं एक कोड लिख रहा हूँ, एक कोड है 100 लाइन का कोड है, ध्यान दो रे, 1000 लाइन का कोड है, इसका मतलब उसके अंदर कितने कैरेक्टर रहेंगे, 10,000 कैरेक्टर रहेंगे, अजम करते हैं हम लोग 20,000 कैरेक्टर रहेंगे। क्लियर हुआ क्या आपको मुझे बताओ? ओके, रहेंगे कि नहीं? अब 20,000 कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी लगेंगी कि नहीं लगेंगी? अब मुझे बताओ, इस प्रोग्राम को अपन क्या करेंगे, जैसे बहुत बार करते ना, अकाउंट डेमो नहीं जमा तो अकाउंट डेमो 1 करता हूँ, उसके अंदर वो डेटा डाल देता हूँ, बाद में अकाउंट नहीं जमा हुआ तो अकाउंट डेमो 2 करता हूँ, करते हैं कि नहीं करते हैं? ओके, yes, तो वो हज़ार कोड को, 1000 लाइन के कोड को मैंने 5 बार करवा दिया, तो एक कोड में 10,000
कैरेक्टर है, दूसरे कोड में 10,000 कैरेक्टर, तीसरे कोड में 10,000 कैरेक्टर, चौथे कोड में 10,000 कैरेक्टर, पांचवें कोड में 10,000 कैरेक्टर, मतलब एक ही प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए मुझे कितने लग रहे हैं, 50,000 कैरेक्टर लग रहे हैं ना, 50,000 नो। तो क्या होता है, क्योंकि ये क्लाउड बेस होने के कारण क्या होता है, सेलपोर्ट में हर चीज का साइज का भी लिमिटेशन होता है, इसलिए सेलपोर्ट क्या बोलता है कि यस आपको कोई कोड को चेक करना है ना, चेक करना है आपको कोड, तो उसको मल्टीपल फॉर्मेट में मत लिखिएगा, क्योंकि उतना वो स्पेस ज़्यादा लेगा ना, क्लाउड स्पेस लेगा कि नहीं, यस और नो, ओके। तो वो क्या बोलता है कि आपका जो क्लास है वो वैसे कि वैसे रखिएगा, ओके। और एक टेस्ट क्लास एक फैसिलिटी दी हुई है सेलफोर्स ने, जैसे मैंने एक क्लास बना के रखा है यहाँ पे, एक क्लास बना के रखा है एक्स वाई जेड नाम का, ये मेरा ओरिजिनल क्लास है, ये मेरा क्या है ओरिजिनल क्लास है, इस क्लास के अंदर मैंने लॉजिक लिख के रखा है, ओके। अब मुझे इसको रन करना है, तो मुझे क्या करना है, इसको अलग अलग जगह पे रन करना है, या मुझे कुछ प्रोसेस के लिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसके टिपली का या नंबर ऑफ अलग अलग जगह पे XYZ1 XYZ2 ऐसे करके देंगे, तो क्या होगा, उतना मेरा स्पेस ज़्यादा लेगा, लेगा कि नहीं लेगा। तो वो क्या बोलता है, ऐसे मत करो, आप क्लास एक ही बार लिखिएगा, और इस क्लास को आपको चेक करना है, ओके, टेस्ट करना है, तो उसके लिए उसका एक टेस्ट क्लास बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है, अभी बोलेंगे सर इसका मतलब क्या, ये इसमें भी तो हम लोग वही काम कर रहे हैं ना, हम भी क्या करेंगे एक्स वाई जेड, हम भी क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं हम लोग। तो आपको क्या बोलते हैं कि भाई इसका एक आप टेस्ट क्लास बनाइए, हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं इसका एक टेस्ट क्लास बनाइए। अब बोलेंगे सर इसका और इसका फ़र्क क्या रहता है, तो ये टेस्ट क्लास करना है, बनाएंगे और इसको आप टेस्ट करेंगे, जब ये परफेक्टली बराबर रहेगा, ओके, ये क्लास का ही डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट रहता है यहाँ पे, ओके। तो ये क्लास का डुप्लीकेट करके फिर इसको टेस्ट करते हैं, जितने बार टेस्ट करना है उतने बार टेस्ट करते हैं, और जब ये परफेक्टली इसके अंदर एरर सब कुछ निकल जाएगा, तो ये परफेक्टली जब बराबर रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वो वापस इसको दे देंगे और बोलेंगे कि भाई दिस क्लास इज परफेक्टली ओके। समझ में आ रहा आपको, ये सॉ नो। अब बोलेंगे सर ये क्यों लिखा, तो ये अपन जब टेस्ट क्लास में इस क्लास को चेक करेंगे, ये 10,000 लाइन है, मतलब 10,000 कोड है, ओके, ये 10,000 कोड जब टेस्ट क्लास में अपन टेस्ट करेंगे, इसको 10 बार टेस्ट करेंगे, तो 10,000 कोड नहीं, 10 मतलब 100,000 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। लेकिन टेस्ट क्लास में अपन जो भी लिखते हैं उसको क्या करता है, सेलफोर्स कंसिडर ही नहीं करता मेमोरी के अंदर। समझ नहीं आ रहा आपको, वो कंसिडर ही नहीं करता, वो क्या कंसिडर करता, सिर्फ ये 10,000 लाइन को ही कंसिडर करता है, 1,000 लाइन को ही कंसिडर करता है, मतलब 10,000 कैरेक्टर को ही कंसिडर करता है। क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताओ, ओके, समझ में आया क्या आपको? अभी वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सेटअप पे जाएंगे, अभी तक अपन नहीं गए थे, तो अभी आपको बता देता हूँ, कल से अपन टेस्ट क्लास पढ़ना चालू करेंगे, ओके। जितने ट्रिगर पड़े ना, वापस से अपने को उसका यूज़ करना है, ओके। तो यहाँ पे इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाएगा आप लोगों को, तो टेस्ट क्लास कैसे होता है, क्या होता है, तो आपको बताना चाहिए आपको। यहाँ पे एपेक्स क्लास सर, इसलिए उन्होंने सर वो हेल्पर हैंडलर वाला लाया क्या उसमें ट्रिगर में? हेल्पर हैंडलर अलग कंसेप्ट है बेटा, आप लॉजिक हमेशा वहाँ पे लिखते, एक लॉजिक को मेरे को सब जगह पे यूज करना है, तो सब जगह पे वो सौ एक एडम करो कि मेरे को 100 लाइन है, 100 लाइन का लॉजिक मुझे 10 जगह पे यूज़ करना है, तो मैं दो वे से कर सकता हूँ, वो 100 लाइन 10 जगह पे लिखूँगा, कितना होगा वो, 1,000 लाइन होगी। सर ये जो कोड कवरेज वो देखते हैं, बट पहले देखिए यहाँ पे, ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर लिखा है, देखो आपको, यू आर करंटली यूजिंग द, मैंने इतने कैरेक्टर यूज़ किए मेरे आर्क के अंदर, दिख रहा है क्या आपको अंकुश, इतने कैरेक्टर मैंने यूज़ किए, Yes. समझ में आ रहा है आपको, ओके। उसके बाद देखिए मेरे को लिमिटेशंस कितनी है, 60,00,000 कैरेक्टर लिख सकती है इसके अंदर, मैं जो लिखता हूँ ना क्लास का नाम SCLASS, वो 5 कैरेक्टर काउंट होते हैं, मालूम है क्या आपको, यस, क्लियर इट, यस सर, यस सर, ओके। तो मैं मैक्सिमम कितने लिख सकता हूँ, 60,00,000, 6,00,000 है कि 60,00,000 है, 6,00,000 है, 60,00,000 है ना, 60,00,000 है, तो 60,00,000 कैरेक्टर्स मैं मेरे एपेक्स कोड के अंदर, मतलब ये ऑर्क के अंदर लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या आपको, यस yes, मैंने अभी 0.45% ही यूज़ किया है अपन ने, क्लियर हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, मुझे कोई कोई कोड को अपन देखो डबल बार डुप्लीकेट, मतलब
सेव करते हैं, उसके बाद में रन करते हैं, वो नहीं जमा तो और दूसरी जगह पे सेव करते हैं, तो उतने कैरेक्टर मेरे वेस्ट हो रहे हैं इसमें से। यस और नो, क्लियर हुआ आपको? ओके, इसलिए सेल्फोर्स क्या बोलता है, आप क्लास एक ही बनाओ और इसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट क्लास में आपको फैसिलिटीज देता हूँ, अपन कल देखेंगे वो, और वो टेस्ट क्लास फैसिलिटीज से हम लोग क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। ओके, और वो जब परफेक्ट कोड हो जाएगा ना, वो कोड अपन वापस उस क्लास को दे देंगे और वो क्लास अपन क्या करेंगे, डिप्लॉयड करेंगे, क्योंकि इसके बाद डिप्लॉयमेंट का मतलब बताता हूँ आप लोगों को, इसके बाद का टॉपिक वही है। तो अपना कल और परसों टेस्ट क्लास खत्म हो जाता है, उसके बाद अपन डिप्लॉयमेंट करेंगे। क्लियर इट? ओके, डिप्लॉयमेंट आपका एक बार हो गया, आपका डेवलपमेंट पूरा खत्म हो जाता है। ओके, तो ये रहेगा आपका वर्किंग। क्लियर इट? एनी डाउट्स? यस सर।